हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसा है आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज बिहार आईटीआई के फॉर्म फिल करना कैसे सर उनको, वो हम लोग देखने वाले हैं सर, या फिर उनको एप्लीकेशन फॉर्म बोल दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म बोल दीजिए, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट भी 10th pass out है, 12th pass out है, वो सबको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल। ये फॉर्म में एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, आप नॉर्मल सा 16 साल से ऊपर प्लस है और सर 10th pass है, 12th pass out है आप, या फिर क्या है सर आप ग्रेजुएशन भी पास आउट है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो आप लोगों की सर ऑनलाइन फॉर्म की जो नोटिस थी वो बहुत पहले आ चुकी थी, यानी कि 2 दिन पहले आ चुकी थी। चलिए थोड़ा सा नोटिस बता देते हैं कि सर फॉर्म भरने में क्या क्या लग रही है, कैसे कैसे लग रही है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको फॉर्म भर के भी हम क्या करने वाले हैं सर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों की एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड कब आएगी वो भी आ चुकी है, तो सारा कुछ डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 7 तारीख से है और फिर लास्ट डेट जो है सर वो 5 तारीख है। देन एडमिट कार्ड जो आपकी आएगी वो 28 तारीख को आएगी। देन आपका जो एग्जाम होगी सर वो 9 तारीख छठा महीना होगी, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए, आइए हम लोग क्या करते हैं फटाफट से फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने को अच्छे समझते हैं। देखिए आपके पास अगर फोन भी है तो फोन से भी आप लोग नॉर्मल फॉर्म भर सकते हैं, आपको कैफे जाने की जरूरत नहीं है, 200 रुपया देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। तो अपने फोन लेके बैठिए और फटाफट से हमारे साथ फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के लिए तो आए हुए हम लोग, ठीक है। चलिए आइए। और सर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताना था, जो स्टूडेंट बिहार आईटीआई 2024 का तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग विगत 5-6 सालों से तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 5-6 टीचर्स के जो जो आप लोगों की ग्रुप है वो सब कुछ मिल के आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग चीज़ों की आप लोग पढ़ाई करवाने वाले हैं। तो जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच का नाम है बिहार बैच। सर ये बैच कहाँ मिलेगी? तो बैच आपको जो मिलेगी वो ऐप पे मिलेगी सर। ऐप यानी क्या सर? स्मार्ट गुरुकुल का ऐप है और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाली है सर? सभी विषय का ऑनलाइन क्लास आपको मिलने वाली है, 10 वर्षों में पूछेंगे सारे क्वेश्चन का हल करने हम लोग दिखाएंगे, आप लोग बताएंगे, और फिर बुक भी वहाँ पे हम लोग देंगे फ्री में आपको, ठीक है। सभी विषयों का मॉडल पेपर भी मिलेगा, सजेशन नोट से प्रश्न लगेगा, सजेशन क्वेश्चन हम लोग देते हैं, सजेशन जो होती है आप लोगों की नोट्स वो देते हैं, जिससे आपको 30-40% आपका क्वेश्चन भी लड़ता है सर। और सर सभी विषयों का PDF नोट्स मिलता है, थ्योरी और MCQ दोनों मिलता है सर। ये सारा कुछ आप लोग कहाँ पे मिलेगा सर? नॉर्मल सा आपको कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके स्मार्ट गुरुकुल सर्च करना है और फिर आपको ऐप डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन कर लेना है। बैच का नाम है बिहार बैच। जो बिहार आईटीआई के स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, बिहार BSc नर्सिंग सबकी तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़े, एक बार जरूर विजिट करें ऐप पे। और सर अगर कुछ पूछनी हो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ऑफिस नंबर है 91-22-13-76-66, ये ऑफिस नंबर है, इस पर जरूर आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा काम की बातें करते हैं और फटाफट से फॉर्म भरना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके आइए सर। तो नॉर्मल सा आपको क्या अपना फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म ओपन करने के बाद आपको क्या करना है सर? आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है सर? सर्च करना है क्या सर? BCECE इतना सा सबको सर्च करना है। जैसे ये सर्च आप लोग कर लेंगे तो वहाँ पर ही आपको क्या दिखेगी सर? आप लोगों को BCECE का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख पा रही होगी BCECE का ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगी। तो सिंपल सा आपको क्या करना है सर? उस पर क्लिक कर लेना है। चलिए आइए फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं सर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगी 3 सेक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड सेक्शन और प्रोस्पेक्टिव आप लोगों को दिख पा रही होगी। प्रोस्पेक्टिव वही फॉर्म की जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आपको दिख पा रही होगी। यहाँ पे आप लोगों को नोटिस भी आपको पढ़ के बता ही दिए और फिर यहाँ पे सिंपल सा आप लोग चलिए फटाफट से आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे 1 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर? ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2024 आप लोगों को दिख पा रही होगी। तो सिंपल सा आपको क्या करना है सर? उस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमको इसी एप्लीकेशन से काम है, इसी फॉर्म को हम लोग को भरनी है। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे वेलकम टू BCECE ऑनलाइन पोर्टिफिकेशन आप लोग दिख रही होगी, आईटीआई कैट 2024 आपको दिख रही होगी। यहाँ पे सारी डेट्स भी मेंशन आप लोगों को किया गया है, पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कैसे कैसे कटा सकते हैं, सारा कुछ हम लोग कटा के दिखाएंगे आपको अभी। ओके, और यहाँ पे क्या है सर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो हम लोगों में सभी फिलहाल कोई होंगे नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है सर? आप लोगों को यहाँ पे गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, यहीं पे ईमेल एड्रेस सारा कुछ फिल करने लगते हैं, ये नहीं करना है आपको। आपको सबसे यहाँ पे क्या करना है सर, कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख पा रही होगी, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के जस्ट ऊपर में आपको दिखेगी क्या सर? न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है सर? क्लिक करना है। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया, पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन, यानी कि आप कहाँ के निवासी है। तो सर निवासी तो आप अपने जिले, जिस जिले से निवासी होंगे, जिस जिले में आपका घर होगा वो डाल दीजिएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं सर, मेरा बांका है तो हम बांका फिलहाल यहाँ पे डाल देते हैं। ओके चलिए हम क्या करते हैं सर, बांका डाल देते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या सर, आप मैट्रिक पास किस जिले से किए हैं, सेकेंड नंबर में ये पूछा जा रहा है। तो मैट्रिक पास सर हम लोग बांका से किए हैं। चलिए बोल रहे हैं कि आपके माता पिता कहाँ के निवासी है या फिर आप कहाँ पे जॉब वॉब करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं। तो सर तीनों चीज़ों में हम फिलहाल अपना डिस्ट्रिक्ट भर रहे हैं, बांका भर रहे हैं। आपको अगर हो सकता है कि आप जैसे मुंगेर जिला का है आपको भागलपुर में कॉलेज चाहिए, आपको पटना में कॉलेज चाहिए, खगड़िया जिला का है आपको पटना में कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको थर्ड वाला नंबर पे पटना फिल कर दीजिएगा तो ज़्यादा चांसेस रहेगा आपको पटना में कॉलेज मिल जाएगा। हम आपको एक आइडिया बताएं। ओके चलिए अब क्या पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच योर चॉइस। देखिए अब हम तीनों फिल किए बांका तो हमको ऑप्शन में सिर्फ बांका मिलेगा, तीनों में अलग अलग फिल करते हैं तो मेरा चॉइस भी पूछा जाता है कि सर कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, मतलब कि किस जिले में आपको आईटीआई कॉलेज चाहिए, यह भी पूछा जाता है। ओके चलिए तो फिलहाल तो बांका है और फटाफट से क्या करना है सर, अपना नाम भर देना आप लोगों को, यहाँ पे क्या करना है आपको नाम भर देना। चलिए फटाफट से आपको तो नाम तो भरने की छोटी सी बात है, सबको भर सकते हैं। राज देना आपका जैसे क्या, देखिए मेरा राजकुमार राणा है तो हम तीनों में नाम भरेंगे राजकुमार, उसके बाद राणा भर देंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे राजकुमार राणा। लेकिन अगर आपका नाम क्या होगा सर, आयुष कुमार रहेगा तो स्टार्टिंग में आपको आयुष कर देना, मिडिल वाला छोड़ देना है और लास्ट नेम में कुमार डाल देना है, ठीक है। चलिए फिर सेम चीज हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, चलिए फटाफट से क्या कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं। ओके चलिए ये क्या कर दिए सर, हम लोग फिल कर दिए। ओके चलिए अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मंगा जा रहा है तो डज नॉट मैच लास्ट नेम। ओके शायद कुछ हम लोग गलती कर दिए हैं, लास्ट नेम क्या है सर, राणा है। चलिए और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ फिल आपको क्या क्या करनी है सर, आपको यहाँ पे मतलब कि डेट ऑफ बर्थ यानी क्या सर, जन्म तिथि के कौन से ईयर है सर वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरा 2002 है तो फिलहाल हम 2002 फिल कर देते हैं, दिसंबर ही है मेरा मंथ। और सर यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट डालना है, तारीख डालना है, मेरा 16 दिसंबर 2002 है। सेम चीज़ें हमको यहाँ पर भी रिपीट करनी है सर, क्या क्या रिपीट करनी है यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2002 फिल करेंगे। कंफर्म करने के लिए दो बार सारा कुछ पूछा जाता है यहाँ पे, ताकि कोई गलती नहीं हो, कोई मिस्टेक नहीं हो। ओके चलिए यहाँ पे फटाफट से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा आपका, वो नंबर आपको वही देना है जो आपके साथ रहे अभी एक दो साल, क्योंकि सर अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट भी बन गया, अच्छा एग्जाम भी गया और आपको एडमिशन कराना जाना है और ये नंबर और ये ईमेल आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन सारा कुछ वही नंबर और वही ईमेल पे होगी। तो नंबर और ईमेल इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं सर, नंबर डाल देते हैं। ओके चलिए हम क्या करते हैं सर, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर सेंड कर देते हैं। जैसे वेरिफिकेशन कोड ये सेंड करेगी, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कोड देखिए फटाफट से आ गई तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल कर देना है 19 19 27 11 27 11, इस तरह से आपको फिल कर देना है एंड क्या करना है सर, वेरीफाई कर देना है। चलिए अब यहाँ पे ईमेल भी मंगा जा रहा है तो फटाफट से हम ईमेल फिल कर देते हैं। ईमेल वही देना जो आपके पास हो, क्योंकि ईमेल और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए ये बात है। चलिए राज ईमेल यहाँ पे भराना था ना, RAZZYADUBANSHI@gmail.com, ये सारी चीजें आपको इस तरह से फिल कर देना है। ओके तो हम ये चीज़ें आपको फिर से बता दें कि ईमेल आपके फ़ोन में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपका ओटीपी जाएगी और फिर एडमिशन के टाइम में भी ये आपका काम आने वाला है। चलिए क्या करते हैं फटाफट से, सेंड ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड आया गया, फटाफट से आपको क्या करना है, ईमेल चेक कर लेना है जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है सर, वेरिफिकेशन कोड पे आपको डाल देना है फटाफट से। चलिए हम लोग क्या करते हैं फटाफट से चेक कर लेते हैं। चलिए वेरिफिकेशन कोड आ गया, एक दो सेकेंड लेट होगी, कभी कभी एक दो मिनट टाइम लेती है। तो 14 84 एंड 24 ये चीज़ें दे दी हैं, उसके बाद क्या बोला जाएगा, वेरीफाई करने, वेरीफाई 14 84 24 14 84 24। देखिए इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड बता रहा है, बट वेरिफिकेशन कोड तो यही है जी, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ओके चलिए दूसरी कोड आई हुई है,
57, अगर एक बार में नहीं हो तो दोबारा भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं है। 17 एंड 36, क्योंकि कभी कभी बग्स आते रहती है। चलिए क्या कर लेना है, हमको वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद पासवर्ड आपको वो बतानी है जो वो बनानी है अपने वन से, जो थोड़ी आसान टाइप हो। क्यों सर? क्योंकि यही पासवर्ड से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यही पासवर्ड से आपका काउंसलिंग होगी, यही पासवर्ड से आपका क्या होगी सर, कॉलेज की लिस्ट निकलेगी। तो पासवर्ड हर जगह काम आने वाली है, तो पासवर्ड बहुत ही नेसेसरी। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड आपको कुछ भी बना लेनी है अपने हिसाब से। पासवर्ड में क्या हो सर, इंग्लिश का लेटर हो और एट द रेट या फिर हैच हो और 1, 2, 3 हो, तो ऐसा कुछ आपको, या फिर 4, 5, 6, यानी कुछ लेटर हो, कुछ वर्ड हो और फिर कुछ क्या हो, सिंबल हो, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनाइएगा। पासवर्ड बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। चलिए चलिए फटाफट से क्या करते, डाल दिए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा सर, आधार नंबर फिल करने के लिए, तो आधार नंबर भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो आधार नंबर भी हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 52, 84, 59, 36। ठीक है, जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं बस वो चीज़ें आपको क्या करना है, नॉर्मल सा करना है। अब यहाँ पे आपका निक नेम पूछा जा रहा है, कभी आप पासवर्ड भूल गए तो फिर वो बता देना, या फिर आपको फर्स्ट टीचर, फेवरेट टीम, तो जैसे फेवरेट टीम यहाँ पे क्लियर कर दिए, तो किसी का कुछ भी फेवरेट टीम हो तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्या कर देते हैं सर, हम आई यहाँ पे फिल कर दिए, तो उसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी पिन यहाँ पे डालना है जो आपको बगल में दिख रही होगी, 7, 1, 9, 7, 5, 8 सेक्रेटरी पिन डाल के यहाँ पे आपको नॉर्मल सा क्या करना है सर, सिंग अप, क्या करना है आपको, सिंग अप कर देना है। जैसे आप सिंग अप पे करेंगे पूछेगा क्या ये सारा कुछ सही है, एक बार आप लोग क्या कर सकते हैं इसको देख लीजिए, अगर ये सारा कुछ सही है तो कन्फर्म कर लीजिए। चलिए कन्फर्म कर देते हैं। जैसे ही आप लोग कन्फर्म यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस यहाँ पे लिखा जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली डन योर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने डन कर लिया है ITI के 2024 के लिए। अब हम लोगों को क्या बोला जाए, सिंग इन करने के लिए, तो साइन इन, जैसे हम लोग यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा सर, आप लोगों को ईमेल एड्रेस, अभी ईमेल एड्रेस आप लोग फिल किए थे ना, वही ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए फटाफट से ईमेल एड्रेस फिल कीजिए जो अभी यहाँ पे डाले हुए थे, मेरे साथ जो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट से मेरे साथ करते रहिए, RAZZYADNSHI@gmail.com। ये हो गए ईमेल, जो ईमेल हम फिल किए थे, और ये पासवर्ड जो अभी जस्ट बनाए थे, 2 मिनट पहले ही बनाए थे, आप लोगों को पता होगी। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, पासवर्ड फिल यहाँ पे कर देते हैं। कैप्चा यहाँ पे 67, 50, 20 है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 67, 50 और 20 है। जैसे ये सारा कुछ करेंगे, साइन इन पे हम लोग क्लिक करेंगे, साइन इन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे देखिए YADUPANSHI@gmail.com, तो यहाँ पे हो सकती है कि पासवर्ड गलत हो। अगर ऐसा आप लोगों को लगता है कि सर पासवर्ड हमने बनाया और फिर इनवैलिड बता रहा है, तो फॉरगेट करने का भी बताएंगे, पर फिलहाल हमको पासवर्ड तो याद है। अच्छा अच्छा, GMAI यहाँ पे जीमेल ही गलत था जी। चलिए जीमेल ही गलत था, फिल ही गलत हम लोग किए हुए थे, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। चलिए तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी वर्क्स होगी, तो एक दो बार ट्राई करना, ऐसा नहीं कि सर नहीं हो रहा है डायरेक्ट कॉल करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, एक दो बार करनी है क्योंकि गलतियां को कभी कभी होती ही रहती है। चलिए 3443 1919, चलिए ये सारा कुछ करके साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे खुल जाएगी, सक्सेसफुली खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेफ, यहाँ पे पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपका फादर्स नाम पूछा जाएगा, तो फटाफट से चलिए हम लोग फिल कर देते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ऐसे डाल देना है, ऐसे फिल भी आपको फटाफट से कर लेना है। माता का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। ओके, चलिए माता का नाम कर देना आपको। आर यू परमानेंट रेजिडेंशन ऑफ बिहार, यानी कि सर आप लोग रहा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका घर कहाँ पे है, तो क्या पूछा रहा है सर, घर कहाँ पे है, सर हमारा बिहार में है, तो बिहार में है तो यस कर देंगे। अगर बोलेंगे कि नहीं सर परमानेंट तो हम बिहार के निवासी नहीं रहते, कहीं और है, पर माता पिता बिहार में रहते हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते, तो नो का ऑप्शन वहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा, योर सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, है कि सर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा बोलेंगे क्या सर,
कि यहाँ पे मेरे माता पिता भी रहते हैं, या फिर मेरे किसी का पत्नी यहाँ की निवासी है, फिर कोई निवासी है, या फिर हम भी निवासी, तो सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। जेंडर आपको फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म जेंडर करना है, उसके बाद कैटेगरी आपको फिल करना है। कैटेगरी कौन सा है सर? हमारा फिलहाल BC है, तो या फिर आपका EWS, SC, ST जो भी हो वो आप फिल कर लीजिएगा। इफ़ यू आर अ DQ कैंडिडेट देन यू आर क्लेम द डिसेबल। देखिए यहाँ पे कन्फर्म कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो फटाफट से पहले BC डाल देते हैं। DQ मतलब क्या सर? कोई विकलांग वगैरह है तो वो क्या करेंगे? यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। डू यू क्लेम फॉर सर्विस मेंस कोटा, किसी के पापा आर्मी वगैरह में, तो वो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपेयरिंग, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए थे मैट्रिक, तो हम फिलहाल अपना जिला का ही नाम डाल रहे हैं। मार्क ऑफ ऑब्टेन, देखिए आपका यहाँ पे कोई चिन्ह पूछा रहा है, क्या उंगली कटा है, पैर कटा है, या फिर कहीं तिल है, तो मेरा थोड़ा सा उंगली कटा हुआ है, तो वो हम डाल देते हैं यहाँ पे। अ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अ कट ऑफ मार्क इन, मार्क इन लेफ्ट हैंड फिंगर, यानी क्या सर? मेरे इस हाथ के उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है, तो हम ये मार्क चिन्ह दे दिए। चलिए, तो परमानेंट एड्रेस क्या है सर? अपनों गांव का नाम आपको लिख देना है। हमारे आपको देखिए इसमें ऐसे फिल करना है आप लोगों को कि आपका गांव का नाम, फिर आपका पोस्ट ऑफिस, फिर आपका क्या डालना है सर आप लोगों का, आप लोगों का पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपको क्या करना है सर? फिल कर देना है। ओके, चलिए यहाँ पे 1, 2, 3 फिल करना इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है? स्टेट फिल करना है, स्टेट फिल कर दिए। डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए फिल कर दिए हम लोग। फिर पिन कोड है, तो फटाफट से क्या करना है आपको? पिन कोड फिल कर देना है। चलिए ये पिन कोड फिल कर दिए। अब सर दोनों एड्रेस सेम ही है, तो हम आपको बताएं कि सेम है या परमानेंट एड्रेस कर देना है आप लोगों को। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आई बारी क्या सर आप लोगों को? फोटो डालने की, सिग्नेचर डालने की, और सर हिंदी सिग्नेचर डालने की। इनका फोटो, सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिग्नेचर अपलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी गई है उस पर फोकस नहीं करते हैं आप लोग, और डायरेक्ट क्या करते हैं? फोटो अपलोड करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको नोटिसेबल करना है। क्या सर? फोटो जो रहना चाहिए विथ रहना चाहिए सर उसका 200 px, और उसका हाइट रहना चाहिए 250 px। सर ये सारी चीज़ें हम कहाँ से करेंगे सर? कहाँ से ये विथ हाइट करेंगे? तो आपको गूगल पे सर्च करना है क्या सर? पिक रिड्यूसर या फिर फोटो रिड्यूसर, ये क्वालिटी बढ़ाता है और घटाता है। ये चीज़ें आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो हाइट वाइट कितना आपको रखना है वो ऑप्शन देगी आपको, ठीक है? तो नॉर्मल सा ये फिल कर लीजिएगा, और ये तीनों फोटो का जो क्वालिटी है 100 KB का अंदर रहना चाहिए, ठीक है? और क्या सर, हम लोग जब फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो वो रहता है इमेज में, रहता है PNG में रहता है, पर इनको चाहिए क्या सर? JPG में चाहिए। तो वो JPG में भी कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे वेबसाइट पे एक साथ ही तीनों चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तब आपका फोटो जाके अपलोड हो पाएगा। नहीं हो पाते तो फिर कॉल कीजिएगा आराम से, या फिर कोर्स वगैरह ज्वाइन करनी है तो आइए। अब हम लोग क्या करते हैं? चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, ये फोटो हुआ मेरा, ये फोटो क्या करेंगे सर? अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी। अब इंग्लिश का सिग्नेचर हम लोग देखते हैं सर अपलोड करके। अब इंग्लिश का सिग्नेचर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस पर हम लोग क्या करेंगे सर? अपलोड करेंगे, ये हो जाएगी। हिंदी का हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, तो डाल के वहाँ पे ओके। ये तीनों चीज़ें हो जाएगी। जैसे ये तीनों चीज़ें हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पे पूछा क्या जाएगा सर? सेकेंडरी या स्टैंडर्ड, यानी कि 10th क्लास में कौन सा स्कूल आपका था, वो आपको स्कूल का नाम देना है। तो मेरा जैसे स्कूल का नाम था क्या सर? HS अमहारा कोतवाली। आपको अपने हाई स्कूल का नाम दे देना है, जिस हाई स्कूल से आप 10th पास आउट किए हुए हैं, वो आप लोग मार्कशीट में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। बोर्ड कौन सा था सर? CBSE था आपका, या फिर ICSE था, या फिर बिहार बोर्ड, तो नॉर्मल सब रहते थे। हम लोग क्या करते हैं? बिहार बोर्ड यहाँ पे फिल करते हैं, मेरा बिहार बोर्ड था। पासिंग स्टेटस क्या था सर? पास हो गए हैं, अपेयरिंग तो अभी फिलहाल कोई है ही नहीं। पासिंग ईयर सर, तो हम मैट्रिक किए थे सर, कब किए थे? 2017 में किए हुए, तो 2017 यहाँ पे फिल कर दिए। परसेंटेज या फिर CGPA, तो हम लोगों का परसेंटेज आता है CGPA, तो CBSE वालों का आता है ना, इंजीनियरिंग में आता है, तो हम लोग परसेंटेज कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स सर कितना, यानी कि हमको सर मैट्रिक में कितना आया था? तो 311 आया था, ठीक है। अरे जजमेंट की थी उस टाइम, ऑब्जेक्टिव नहीं था जब हम एग्जाम दिए थे। और टोटल मार्क्स हम लोग 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी 62.5
20% आ गई। अब सबमिट एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग तो ये सारा कुछ आपको फील हो जाएगी। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सारा कुछ सही है या फिर गलत है, चेक एक बार कर लेंगे आप लोग। ये सारा कुछ देख सकते हैं आप लोग, फॉर्म फिलअप हो गया तो फिर आप लोग प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट का मेथड यहाँ पे सामने आपको खुल के आ जाएगी। जैसे पेमेंट का मेथड यहाँ पे खुल के आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है चाचा, यहाँ पे आई एग्री कैन कंटिन्यू करने का ऑप्शन होगा कहीं पे, वो हम करते हैं। इफ योर एग्जामिनेशन काउंसिलिंग फी पेमेंट गेट्स फाइल, यानी कि ये सिंपल सा बोल रहा है कि अगर आपका पेमेंट फाइल हो जाता है दोबारा लौट आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं सर, प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने से पहले हम लोग अग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, वहाँ पे क्लिक करनी होगी हमको। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे अग्री एंड कंटिन्यू का क्लिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, सेव प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा आप लोग ना, तो फिर डायरेक्ट क्या होगा आपको पेमेंट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट पे जैसे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मल से आप क्या कर सकते हैं, फोन पे पेटीएम का यूपीआई आईडी नंबर डाल के वगैरह सारा कुछ आप लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और फिर डाल के आप लोग नॉर्मल सा क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम आई एग्री टू कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करनी होगी और देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर उसी टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का पेमेंट का सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगी कि आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सारा कुछ खुल के आ जाएगी आप लोग, तो यहाँ पे कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 700 पेमेंट हमको लगा क्योंकि सर हम लोग क्या है बीसी के हैं यानी जनरल कैटेगरी वाले हैं, एससी एसटी को 500 लगता, और जो डिसेबल कोटा से यानी जिसका थोड़ा सा मतलब कि हाथ पर कुछ सही वगैरह नहीं है तो उनको नॉर्मल 400 रुपया लगेंगे। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और सर आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर आप लोग वॉलेट से भी कर सकते हैं। वॉलेट से क्या मतलब सर, कि वॉलेट में आपका पेटीएम फोनपे जो भी वॉलेट होगा तो वहाँ पे आप लोग वॉलेट नॉर्मल डाल लेंगे, फिर वॉलेट का भी ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं सर, पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ये सिंपल सी मेथड, नेट बैंकिंग आपके पास है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं पेमेंट, कार्ड से नॉर्मल रहता है तो कार्ड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और सर बाकी चीज़ें आपको अगर बैच ज्वाइन वगैरह करनी है तो आप लोग नॉर्मल बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, नंबर नीचे चल रही होगी उस पर जरूर एक बार क्या कीजिए कॉल कीजिए आप लोग, क्या कीजिए कॉल कीजिए सर, कॉल वगैरह करके सब कुछ वेरीफाई करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे आप लोग को सारा कुछ बताने वाले हैं। चलिए कॉलिंग का नंबर है अगर बैच ज्वाइन करना बिहार आईटीआई 2024 के लिए तो 91-22-13-76-66। चलिए इंफॉर्मेशन अच्छी लोगों तो लाइक कर देंगे एक बार, और सर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यूट्यूब पे तो क्लासेस ऑब्जेक्टिव की चलती है, टेलीग्राम पे क्यूज भी चलती है, और ऐप पे तो पूरी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। तो अगर 2024 में आईटीआई को निकालना है बहुत कम फी है, 499 रुपया है, तो जरूर ज्वाइन करें हमारे साथ। नंबर पर जरूर एक बार कॉल करें, क्लास ज्वाइन करने के लिए सारा चीज़ हम अच्छे से बताएंगे क्या कैसे होती है, एक बार जरूर समझे बूझे सारी चीज़ें। ओके सर, चलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और अच्छी लगी हो, क्योंकि इस पर आईटीआई की रिलेटेड क्लास वगैरह मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी सीरीज आपको मिलेगी, मैराथन क्लास भी मिलेगी, तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।